नमस्कार साथियों, मेरा नाम चंचल मलिक है और मेरे YouTube चैनल का नाम है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज। हम आपके लिए अपडेट्स लेके आते हैं यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों का और रेगुलर अपनी वीडियो के माध्यम से हर तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर तरह की वीडियो बनाते हैं आपके लिए, रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल या कोई भी लैंड जिसके ऊपर हम आपको अच्छी जानकारी दे पाएँ यमुना अथॉरिटी के हर सेक्टरों की। देखिए, यमुना अथॉरिटी के अंदर जितने भी सेक्टर आते हैं, आज के समय में हर किसी का रुझान है इन सेक्टरों में अपने लिए एक छोटा आशियाना ले लेना, अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ले लेना। मगर कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट या एक अच्छे आशियाने के चक्कर में कहीं आप फंस ना जाएं, जितनी भी आपने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करी है कहीं वो आपकी वेस्ट ना चली जाए। और आप चाह तो ये रहे थे कि एक अच्छा रिटर्न मिलेगा आने वाले समय में, तो आज हम आपको लेके आए यमुना एक्सप्रेस वे जीरो पॉइंट से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर, जहाँ पे कई सारे प्राइवेट बिल्डर्स यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लुभाने आपको वीडियोस बना के आप तक पहुँचाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं और आप उसको देखने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट हो रहे हैं प्लॉट लेने के लिए। मगर प्लॉट लेने के चक्कर में कहीं आपकी जमा पूंजी आपकी जेब से ना निकाल ली जाए, तो आज इसी वीडियो को हम आपके सामने लेके आए हैं और सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हर तरह के डाउट आज आप तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, जैसा भी मैं खड़ा हूँ, ये एक टाउन है जिसका नाम है टप्पल टाउन। आपने काफ़ी बार ऐसी वीडियो देखी होगी जो आपको लोगों ने बताई होगी कि टप्पल के पास, जेवर के पास प्लॉटिंग हो रही है और बहुत ही सस्ते रेट पे आपको यहाँ प्लॉट दिए जा रहे हैं, गजों के अंदर यहाँ प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। और आप सोचते हैं कि बहुत ही सस्ती ज़मीन है और चल के इन्वेस्टमेंट करा जाए, क्योंकि यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, कई ऐसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं जिसको देख के यहाँ पर काफ़ी ऐसे डीलर यहाँ पे आ गए जो कि धोखाधड़ी करना चाहते हैं और उन्होंने यहाँ पे आके अपनी प्लॉटिंग कर ली है जो कि प्राइवेट प्लॉटिंग है और जिसके लिए आप यहाँ पे फंस भी सकते हैं। अगर उन डीलों के अंदर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि आप ऐसी डील के अंदर बिल्कुल यहाँ पे आके फंसेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये टप्पल टाउन है सामने जो आप देख पा रहे हैं, और जो ये आप ज़मीन देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ, तो आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी प्लॉटिंग हो रही है। और अगर उसके साथ अगर हम बात करें अपने लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ, तो उल्टे हाथ की तरफ भी काफ़ी प्लॉटिंग हो रही है। जो आप देखिए यहाँ पे प्लॉटिंग करी हुई है डील, जो भी यहाँ पे प्लॉटिंग करी हुई है प्राइवेट डीलरों ने, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रैक्टरों से ज़मीन को एक्सार करवाया जा रहा है, बिल्कुल प्लेन करवाया जा रहा है और डीलर सब यहीं खड़े हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने आके अपनी जो भी ज़मीन ली गई है उसके लिए उन्होंने मार्केशन के तौर पर यहाँ पर झंडे लगा दिए हैं, जो आपको रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर के, ब्लू कलर के डायरेक्शन में दिख रहे होंगे। आप देखिए, अगर आप यहाँ प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाई टेंशन तार हैं, हाई टेंशन तार जो वायर होती है वो वहीं से जाती है जहाँ पे डूब क्षेत्र होता है या आपकी पट्टेदार ज़मीन होती है या वो ज़मीन जो कि बिल्कुल रहने लायक नहीं है, उस ज़मीन के अंदर से ही ज़्यादातर हाई टेंशन तार जाती हैं। तो आपको जैसा मैंने आपको दिखाया, आप सामने तक देखिए, जो सामने टाउन है ये टाउन है आपका टप्पल टाउन है, और टप्पल टाउन से अगर हम देखें तो एक जेवर के लिए रोड जाता है जो जेवर पलवल अलीगढ़ के लिए आपका जाता है, और उसके साथ ये जो रोड है ये टप्पल से अंदर की तरफ आया है। लगभग मेन रोड से अगर हम बात करें तो 300 या 400 मीटर की दूरी से एक अंदर की तरफ रोड आता है, और वहाँ पे जब हम आए हैं तो ये प्लॉटिंग यहाँ पे हो रही है। तो अब आपको प्लॉटिंग पर ले जाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी धोखाधड़ी से यहाँ पर प्लॉटिंग चल रही है। काफ़ी लुभाने मैसेज वीडियो, शॉर्ट वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है जो कि आप यहाँ पे आके प्लॉट्स लें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप समझ गए होंगे कि ये ज़मीन है, ये पट्टेदार ज़मीन है और यहाँ पे किसी एक किसान की या खातेदार की या भूमिधर ज़मीन नहीं है। ये ज़मीन जो थी ये बिल्कुल क्लियरली सबको पता है कि ये ज़मीन या तो किसानों को प्रॉपर तरीके से दी गई है या नहीं दी गई है। इस पर कई सारे ऐसे मतभेद हैं जो कि आप जानते होंगे, कई सारे आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि यहाँ पे बाबा जी का कब बुलडोजर चल जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। तो ये वही ज़मीन है जो कि कभी भी यहाँ पे बुलडोजर चल सकता है बाबा जी का, जो कि आप देखते हुए आ रहे हैं। तो आज कोशिश करेंगे, जो भी ये टाउनशिप यहाँ बनाई जा रही है काफ़ी बड़े लेवल पर आपको यहाँ पर लुभाया जा रहा है कि आप यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करिए। काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी करी जाती है, काफ़ी सारे ऐसे नकली कस्टमर बुलाए जाते हैं जिनको आप भी देख के ये लगता है कि अरे काफ़ी भीड़ है यहाँ तो, और यहाँ पे बड़ी लेवल पे यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। तो ले जाएंगे आपको बिल्कुल डायरेक्शन पे, देखिए आप सामने देख रहे होंगे कि टेंट लगाया गया है और बिल्कुल टेंट लगा के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि प्लॉट लिए जाए, मगर वो टेंट कब गायब हो जाएगा और आपकी जेब कब खाली हो जाएगी आपको क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो आज लेके चलेंगे वहीं तक और दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है।
तो साथियों, मैंने आपको बताया कि जो ये प्लॉटिंग हो रही है, ये पट्टेदार जमीन पे हो रही है, और यहाँ पे किसानों से, जो किसान यहाँ पे पट्टे लेके बैठे हुए थे, उनकी जमीन को एक्सार करवाया जा रहा है। आप देखें, ये पूरी जमीन को यहाँ पे घेरा गया है और यहाँ पे ये टेंट लगा के जमीन सेल करी जा रही है। काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है और लुभाने वीडियोस बनाई जा रही हैं, जिसे देख के आपको भी ऐसा लगेगा कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट होने वाली है और आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जो प्लॉटिंग है वो छोटे साइज़ के प्लॉट यहाँ दे रहे हैं और कम रेट पे दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि काफ़ी सस्ते प्लॉट हैं, तो हम यमुना अथॉरिटी के अंदर ही क्यों जाएँ, हम सरकारी ज़मीन ही क्यों लें। हमारे लिए तो ये अच्छा ऑप्शन है कि जो प्राइवेट ज़मीन लें हम, तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल गलत होने वाला है। और आप आने वाले समय में आपको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या इस ज़मीन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, आपने देखिए यहाँ पे भी सामने देखेंगे कि किसी ने ये जो ज़मीन है को बिल्कुल बाउंड्री वॉल करवा लिया है और बिल्कुल इन्होंने अपना बोर्ड सब चीज़ यहाँ पे डाली गई है पूरा, और बिल्कुल इन्होंने क्लियर कराया कि भाई कि इसके अंदर अच्छी प्लॉटिंग इन्होंने करी है। मगर वो मौके पर ही आपको पता चलेगा कि क्या ये सही में ही फ़ायदे वाली चीज़ है या नुकसान वाली चीज़ है। वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर आप यमुना अथॉरिटी के अंदर जाइए, वहाँ के जो प्लॉट्स हैं सरकारी प्लॉट्स हैं, काफ़ी छोटे साइज़ भी हैं, बड़े साइज़ के भी प्लॉट हैं सरकारी प्लॉट्स में। देखिए, कुछ फ़ायदा लेने के लिए आप अगर सस्ते प्लॉट ले लेंगे और वो भी प्राइवेट प्लॉट लेंगे, तो हो सकता है कि कल आपको जो आपकी जमा पूंजी थी, हो सकता है कि वो आपके जेब से बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे लोगों ने प्लॉटिंग करी हुई है। ये सभी प्राइवेट डीलर्स हैं जो कि बाहर से यहाँ आए हैं और यहाँ पे उन्होंने प्लॉटिंग कर ली है पट्टेदार ज़मीन के अंदर। और ये जो ज़मीन है पूरी डूब क्षेत्र ज़मीन है, जिसको हम जमुना खादर ज़मीन भी बोल सकते हैं। जमुना खादर के अंदर ये पूरी प्लॉटिंग है, बड़े लेवल पर यहाँ प्लॉटिंग करी जा रही है और बड़े लेवल पर यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ रुझाने के लिए वीडियोज़ और कॉल मैसेज के थ्रू उनको इनवाइट करा जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है, पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी जा रही है, जो कि हमारे जितने भी प्लॉट्स लेना चाहते हैं वो यहाँ आए और यहाँ पे प्लॉट लें। मगर वो बिल्कुल ही गलत इन्वेस्टमेंट होगी अगर आप इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आके करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए ये प्राइवेट टाउनशिप है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कब यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, मेट्रो सिटी के नाम से यहाँ पे टाउनशिप कर दी गई है, ठीक है ना। तो बड़े लेवल पे यहाँ पे ऐसे काम चल रहे हैं, जिसको आपको एक बार विचार करिए। और जब भी आप कोई भी प्लॉट्स लेने जा रहे हैं, वो चाहे कहीं पे भी जाएं, उसके आसपास कौन सी अथॉरिटी लगती है, कौन सा डेवलपमेंट सेक्टर लगता है, बिल्कुल वहाँ पे क्लियर करिए क्या ये ज़मीन लेने लायक है या नहीं है। तो यही कोशिश करी हमने कि जो कई सारे लोगों के मेरे पास कॉल आती है कि भाई जेवर के पास, टप्पल के पास प्लॉटिंग हो रही है, यमुना अथॉरिटी के इतने महंगे प्लॉट्स हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट करनी सही है या नहीं है, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये देखिए मेरा रिव्यू था, मैंने अपनी तरफ से आपको रिव्यू दिया है, ये मेरी सोच थी, मैंने अपनी सोच आपको बताई कि क्या यहाँ पर ज़मीन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, विचार आपको करना है कि जाना है या नहीं जाना है। ये वीडियो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए या किसी की नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं बनाई गई है, जो सच था वो मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करी है। तो साथियों, मैंने आपको क्लियर करा कि जितनी भी ये ज़मीन पे यहाँ पे प्लॉटिंग करी जा रही है, या विहार कॉलोनियाँ जो भी बनाई जा रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, या कई सारी चीज़ें ऐसी आपको यहाँ पर लुभाने वाली प्रोजेक्ट साइट दिख जाएंगी, जिसपे आपको लगेगा कि बहुत ही सस्ते प्लॉट्स यहाँ मिल रहे हैं और आप बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ, तो बिल्कुल प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक बार अच्छे से सारी चीज़ें चेक कर लें कि क्या ये ज़मीन लेना वाजिब है या नहीं है। सारी चीज़ क्लियर कर दी है कि क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो विचार अब आपको कर रहा है कि क्या आपको प्राइवेट टाउनशिप के अंदर जाना है, या प्राइवेट प्लॉटिंग के अंदर जाना है, या गवर्नमेंट प्लॉटिंग के अंदर। तो आज की जो वीडियो थी बस यहीं तक की थी, तो आज की वीडियो को हम करेंगे यहीं समाप्त। जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर के बारे में लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका रेजिडेंशियल हो या इंडस्ट्रियल या किसी भी तरह की अदर लैंड, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं समाप्त, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो लेके। नमस्कार साथियों।